नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके खबर नाउ। मैं हूं पंकज शर्मा। मैं समय की खबर आपको बता दूं तो खबर है बिलावर से। आज माइनिंग का इशू लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया एक सोशल एक्टिविस्ट और सरपंचों द्वारा। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया कि माइनिंग का इशू बहुत दिनों से चल रहा है। कई लोगों ने घर बनाने हैं, कई लोगों ने रेता लेना है या कुछ भी लेना है। ये माइनिंग का बहुत बड़ा इशू लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया बिलावर में। आप रिपोर्ट मैम जी, मैंने कंस्ट्रक्शन वर्क लगाया था परनाला में, तो 6 महीने पहले रेता लिया हुआ था वहाँ। अब माल बच गया तो हमने इकट्ठा किया। सुखराला में दुकानें हैं, दुकानों की रिपेयर करानी है, प्लस्तर कराना था। बहुत सीमेंट भी लगा हुआ है, लोग बहुत बैग वहाँ पर, और रेता भी जो बचा हुआ है इकट्ठा करके। अच्छा, मतलब आप बचा हुआ मटेरियल जो ला रहे थे? अब मुझे बोलते हैं कि वो सी फार्मूला 9 महीने पहले वहाँ पर काम लगाया था। पर्ची कहाँ रख पाता है? और उन्होंने रोड पे गाड़ी पकड़ी। अच्छा, तो रोड पे गाड़ी, उसके ऊपर बैग भी लगे हुए हैं, सीमेंट भी है और रेता भी पुराना। आप चेक कर सकते हैं। नहीं सर, पर सब ऐसा ही लग रहा है कुछ कि जैसे ही हम लोग, कोई भी अगर कोई काम नहीं होता हमारा, लोगों का काम नहीं होता है, तो पहले तो वो प्रशासन के अधिकारियों से गुहार लगाते रहते हैं। उसके बाद जैसे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उसके बाद उन्हें मजबूरी से उन्हें जो है रोड ब्लॉक करना पड़ता है। और इसके लिए प्रावधान बना दिया कि कोई भी रोड जाम करेगा तो उसके खिलाफ FIR होगी। तो आप बताइए, लोग जाएंगे कहाँ अगर उनकी सुनी नहीं जाएगी? डरने वाले नहीं है। सबसे पहले मैं आपकी अनुमति होगी एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि ड्यूरिंग दिस ये माइनिंग का जो प्रोसेस है, इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिली हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये रोड साइड इनको वाटर स्प्रिंकलर्स लगाने हैं ताकि पोल्यूशन ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो। जहाँ पे प्लांटेशन करनी है, कुछ पैसा जो है माइनिंग का, वो हमारे जो लोकल बिलावर म्यूनसिपलिटी है, जहाँ हमारा जो गाँव देवल पड़ता है, टिल्ला पड़ता है, जहाँ हमारा जो नियर बाई मुनी का गाँव पड़ता है, इसकी डेवलपमेंट के लिए, लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए फंड्स जाने चाहिए। ये वो पैसा है, पिछले 2-3 साल से 1 रुपया नहीं लगा, 1 प्लांटेशन नहीं हुई, 1 यहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर नहीं लगा, तो ये पैसा कौन खा रहा है? एक माइनिंग वालों की क्यों नहीं हो रही? माइनिंग वालों की एक मीटिंग शायद इसी जगह पे हम लोगों ने एक कवरेज की थी, आप लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। हमारे सामने कुछ इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। क्या आप समझते हैं कि उनमें से कोई भी चीज इम्प्लीमेंट हुई है? गाइडलाइन जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी NGT की गाइडलाइंस हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस हैं, उनका वायलेशन हो रहा है। अगर ये 1 या 2 दिन के अंदर ये अपने ब्लॉक को डिमार्केशन करके और वहां से अगर रॉयल्टी कलेक्शन सेंटर इन्होंने नहीं बनाए, तो हमें मजबूरन होकर NGT में भी जाना पड़ेगा, तो हम वहां पे भी जाएंगे। हम चुने हुए लोग हैं हमारे साथ सारे, और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर याचिका दायर करनी होगी तो वहां पे भी हम करेंगे। इनको छोड़ने वाले नहीं है। थैंक यू संजीव जी, धन्यवाद। पहले भी इसी तरह से लोगों, हमको मजबूर होना पड़ा है कि हम जो है कानून को अपने हाथ में ले, लेकिन हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि शांति प्रिय ढंग से हर समस्या का समाधान हो, लेकिन ये गुंडा तंत्र जो है, खनन माफिया जो है, ये हमारे लोगों के ऊपर अपना जो बाहुबल दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये बिलावर में हम नहीं चलने देंगे। जो पिछले कुछ हमारा फिंतर के जो पॉइंट है या बीनी ब्रिज के पॉइंट है, वहां से भी हमने इनको भगा दिया है। बहुत ही जल्द हम इनको यहाँ से भी भगा देंगे। मैंने SHO साहब से कहा है, ADC साहब से मैंने कहा कि इस पे आप जल्दी से बिल्डोजर फेरी। SHO बिलावर ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया है, किस तरह की कार्रवाई उन्होंने आज किया? इज कॉम्पिटेंट ऑफिसर एंड आई एम वेरी श्योर दैट ही विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। ये जल्दी इस पे यहाँ पे बिल्डोजर चलने वाला है। हमारे पास, हमारे साथ होटार के भी सरपंच हैं, इनके भी ये पूरा दरिया जो है, जो ब्लॉक्स हैं इन्हीं के एरिया में, ये भी कुछ। सरपंच साहब, आपको हम ब्लॉक दिवस पे देखते रहते हैं, आप भी ये इशू काफी बार उठाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने भी, किसी ऑफिसर ने भी, अधिकारी ने यहाँ कर इनिशिएटिव लिया और किसी तरह की भी कोई कार्रवाई उन्होंने की। तो क्या समझते हैं आप, इसमें किसकी ढील है? क्या प्रशासन और ये माइनिंग वाले मिले हुए हैं? बिल्कुल मैडम, ऐसा ही है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि जब बार बार लिखने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे बिल्कुल ये संकेत जाता है कि डिपार्टमेंट और प्लस माइनिंग डिपार्टमेंट ये मिले जुले लोग हैं और एक ही थाली के चटे बटे लोग हैं। दिखाने को कुछ है, करने को कुछ हो रहा है। अगर जो इधर सख्त है, एक्शन क्यों नहीं लेते? अगर ईमानदार है जो लोग, एक्शन क्यों नहीं लेते उनके खिलाफ? जैसे हमारे सिंह जी कह रहे हैं, 1 महीना पहले इनको नोटिस दिया हुआ है और 1 महीने के बाद आया था, कार्रवाई नहीं हो रही। हम बिल्कुल, इन्होंने जैसे कहा कि हम कानून के बने वाले लोग हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल हमने बात की इनसे कि पहले हमने नोटिस दिया, लेकिन आज तक कोई एक्शन हुआ। जब आज हमने रोड ब्लॉक किया तो इमीडिएट एक्शन हुआ, तो इन्होंने एक्शन ले लिया। ये चाहते हैं कि हम हर जगह रोड ब्लॉक करें और तभी एक्शन होगा। कोई नहीं, कोई गल नहीं, दीदी इधर बनाओ ना। आया आया सर, आ गए संजीत जी।
संजीत जी, जैसे ही हम ये माइनिंग वाली जगह पे पहुंचे हैं, तो जो आप बोल रहे थे कि यहाँ पे पंजाब के कुछ गुंडे भी इन्होंने पाल रखे हुए हैं, जो कि इलीगल मतलब माइनिंग के चार्जेस वो लेते हैं लोगों से और लोगों को परेशान करते हैं, तो हम जैसे ही स्पॉट पे पहुंचे हैं तो वो मतलब उनमें से तीन लड़के थे, एक हमारे सामने कहीं भाग गया, एक उधर भाग गया, तो उनकी बाइक जो है वो वहीं पे लगी हुई है। अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई की है। पुलिस वालों को हमने कहा है कि ये जो इनका बना हुआ है उगाई का धंधा यहाँ पे चलाते हैं ये, और ये मैं कहूंगा कि हमारे लोगों को यहाँ पे लूटा जा रहा है, और ये भी इसमें पूरा माइनिंग विभाग मिला हुआ है। ये गुंडों को मैंने इनके लिए एक महीने पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी बिलावर में, भी डीएमओ साहब को भी भेजी थी कि भाई ये जो लोग हैं इलीगली यहाँ पे वसूली कर रहे हैं, इनको जो ब्लॉक मिले हैं, लोकेशन हुई है ब्लॉक्स की, एक्चुअली ये इनको वहीं पे ही इसका रॉयल्टी लेना कलेक्शन। आपके कहने का मतलब ये आउट ऑफ ब्लॉक जाके रॉयल्टी जो है वो ब्लॉक, दे आर वायलेटिंग ऑल द गाइडलाइंस सेट बाय द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड द माइनिंग डिपार्टमेंट एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जितनी भी गाइडलाइंस है दे आर वायलेटिंग एवरी गाइडलाइन। अगर ये अपनी जगह पे सच्चे है, सही है, तो आज इनको भागने की क्या जरूरत है। हमने भी बोला है कि यहाँ पे बुलडोजर मंगवाइए, और जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा योगीनाथ का बुलडोजर चलता है ऐसे ही यहाँ बुलडोजर चलेगा, इसको उखाड़ देंगे ये तंबू बंबू जो है। ये पंजाबी, ये गुंडागर्दी यहाँ पे नहीं चलेगी पंजाबियों की, ये दरिया के पार पंजाब में चलाएंगे, यहाँ नहीं चलेगा। संजीत जी, कितनी देर हो गई आपको प्रशासन को बताया हुआ, जैसे आप बता रहे अधिकारियों से बात हुई है, डीसी बिलावर से बात हुई, तहसील से, एक महीना क्या कार्रवाई हुई उसके बाद, क्या कार्रवाई हुई? मैंने इसके लिए एप्लीकेशन दी थी। आज बड़ी हैरानगी की बात है, हमारे सरपंच साहब परनाला से अपने घर में जो बचा हुआ कुछ रेत और कुछ उसमें सीमेंट, जो घर का मटेरियल बचा हुआ था, वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे थे। अब 6-8 महीने पुराना जब इन्होंने लिया सीमेंट कहीं से या बजरी, अब उसका किसका वो विल और किसका फार्म रखेंगे अपने पास। वहां पे माइनिंग डिपार्टमेंट के एक दो लोग आते हैं, इनके साथ बदतमीजी की जाती है, चुने हुए प्रतिनिधि के साथ इनको धमकाया जाता है, और ये अपना यहाँ पे रोना रो रहे हैं। अगर चुने हुए लोगों का ये हाल है तो शर्म आनी चाहिए। यही बात आपकी एक मैं काटना चाहती हूँ संजीत जी, कब से ये इलीगल माइनिंग हो रही है, रॉयल्टी वसूल की जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि एक महीने हो गया, एडीसी हम बिलावर से हमने बात की।